hope you are doing very well. So I am back again with another video. और आज की वीडियो काफी ज्यादा खास है, मेरे लिए भी होने वाली है खास और आप लोगों के लिए भी होने वाली है काफी ज्यादा खास। वैसे गाइस, इस लॉकडाउन में मैंने सबसे ज्यादा जो अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है वो मैंने किया हुआ है कुकिंग में। मतलब कुकिंग काफी ज्यादा बना रही थी मैं और कर रही थी वीडियोस अपलोड, तो मुझे काफी लोगों ने रिकमेंड किया कि क्यों ना आप कुकिंग की वीडियोस भी हम लोगों के साथ शेयर करो। बहुत तिगड़ी भरी रेसिपीज बनाने में मैं आजकल काफी ज्यादा माहिर हो रखी हूँ। ठीक है, जब आप लोग इतना सपोर्ट मुझे कर रहे हो, मुझे इस चैनल में इतना सपोर्ट किया है, तो उसमें भी जरूर है कि करूँ चाहे कि क्यों ना मैं एक कुकिंग का यूट्यूब चैनल भी खोल लूँ जिसमें मैं अपनी तिगड़ी भरी रेसिपी शेयर करूंगी। यानी कि कुछ मसालेदार रेसिपीज और कुछ ऐसी रेसिपीज जो हमारे पास घर पे चीजें अवेलेबल नहीं है, पर उनके बिहाफ में हम चीजें यूज करके अपने खाने के जायके को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। खाना तिगड़ी बड़ी रेसिपीज के साथ बनाने का मजा ही कुछ और होता है। नॉर्मल खाने को अलग तरीके से डिजाइन करके कैसे अपने टेस्ट को बेहतरीन बनाया जाए, ये थोड़ा बहुत मैं उस कुकिंग में करने की कोशिश का चैनल है वो खोल लिया है। बट टाइमिंग की वजह से मेरे को आपको अनाउंस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर अब जाकर कर रही हूँ, लेकिन उस चैनल पर मैंने वीडियोस कुछ डाल दी हैं। एंड गाइस, जैसे मैंने उसमें लौकी के मोमोज शेयर किए, ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को क्या सब लोगों को मोमोज पसंद है, बट जैसे मैंने वीडियो में बनाया था कि लौकी के मोमोज, तो ये काफी कम लोगों ने सुना होगा कि लौकी के मोमोज भी हो सकते हैं। एंड गाइस, इतने अच्छे टेस्ट था उनका, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने यही सोचा है कि जैसे मैं मोमोज जो उसकी स्टफिंग है चेंज करके और उसका जो फ्लेवर है कैसे बदल के मैं मोमोज को प्रेजेंट कर पाऊँ, ये मैंने सोचा है। एंड लाइक जैसे पिज्जा बना रहे हैं, तो पिज्जा के साथ ज्यादा बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ओवन नहीं है, हम कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैं जैसे पिज्जा भी बनाऊंगी कि कैसे आप विदाउट ओवन, विदाउट मसालो चीज, विदाउट चीज वो पिज्जे का टेस्ट ले सके। तो यहाँ पे मैं बहुत ऐसी तिगड़ी भरी रेसिपीज लेके आऊंगी कि आपको मजा आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो वाले चैनल के बारे में इस चैनल में डिस्कस कर लूं, क्योंकि गाइज आप लोगों ने जैसे मुझे इस चैनल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, आई नो मुझे बहुत लोगों आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया है, मेरी वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्यों ना अपना एक और यूट्यूब चैनल खोलूं कुकिंग से रिलेटेड, क्योंकि गाइज कुकिंग में इसमें भी डाल सकती थी बट वो चैनल थोड़ा डिफरेंट हो जाता, कुकिंग इसमें थोड़ा डिफरेंट लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुकिंग का एक सेपरेट चैनल खोल लेती हूँ, जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है वो कुकिंग की वीडियोस भी देख लेगा और जिनको व्लॉग्स वगैरह मेकअप ट्यूटोरियल पसंद है वो उसमें भी कर लेगा। तो यार गाइस, मेरे जो चैनल का नेम है वो है कुसुम खाना खजाना। तो अब बात कर लेते हैं आपको क्या करना है। अब आपको जाना है यूट्यूब पे, जाना है सर्च ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखना है कुसुम खाना खजाना। हाँ हाँ गाइज, यही वाला चैनल। इसमें आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, हाँ जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर देना है, जिससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और मेरी तिगड़ी भरी रेसिपीज का आप भी मजा ले पाएंगे। आप भी मुझे सजेस्ट करिएगा, अगर आपको कोई बहुत बेहतरीन सा मेरे को चैनल का नेम रिकमेंड करना चाहोगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं अभी चैनल का नेम अपना चेंज कर लूँ, क्योंकि गाइज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी क्या रखूँ, तो मैंने बस अभी के लिए कुसुम खाना खजाना रख लिया है। वैसे आप भी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि सजेस्ट करिएगा कि मेरा चैनल का नाम क्या और अच्छा हो। इस चैनल पर सपोर्ट किया है वैसे मुझे इस चैनल पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। इतनी बात है मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।